हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर क्लासेस। आरआर क्लासेस के ऊपर आपका वेलकम है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई एम विद्या रानी, मैं नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इस लेक्चर के अंदर क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमारा लेक्चर 3rd रहने वाला है। लेक्चर 1 के अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, फिर 2 के अंदर, और अब ये लेक्चर 3rd रहने वाला है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये चैनल आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए और NTA नेट की प्रिपरेशन के लिए। अगर किसी ने भी कॉमर्स की NTA नेट की या पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी हो तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ओके, पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर? हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक ह्यूमन बींग होता है ना, एक ह्यूमन बींग होता है वो कितने टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है? 2 टाइप्स की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। पहली क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो पर्सन क्या करता है? पैसा कमाने के लिए करता है, फॉर मनी अर्न करने के लिए करता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? जो मनी अर्न करने के लिए नहीं की जाती है। मनी अर्न करने के लिए पर्सन क्या क्या काम करता है? मनी अर्न करने के लिए पर्सन बिजनेस करता है, मनी अर्न करने के लिए पर्सन प्रोफेशन करता है, मनी अर्न करने के लिए पर्सन एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाता है। ओके, फिर हमने सेकेंड वीडियो के अंदर कवर किया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के फीचर क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक्सचेंज जरूरी होता है। अगर आपने अब तक पिछली वीडियो नहीं कवर किया तो उसको कवर कीजिएगा। एक्सचेंज जरूरी होता है, जैसे कि मैंने सेल्फ कंजप्शन के लिए, घर के यूज़ के लिए कोई भी कुछ खरीद लिया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। एक्सचेंज होना जरूरी होता है कि मैं आगे लूँ और दूँ, फर्दर सेलिंग करूँ। एक्सचेंज के बाद क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक्सचेंज जरूरी होता है। एक्सचेंज के बाद ये क्या होता है कि ये पैसा कमाने के लिए की जाती है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या करोगे? कोई ना कोई काम करोगे, तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? रेगुलरिटी होनी चाहिए, रिस्क का एलिमेंट रह जाता है। ओके, और अनसर्टेन होता है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। ओके, तो बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा पिछली वीडियो की तरफ जाते हैं तो बिजनेस का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, या तो प्रोडक्शन किया जाता है या तो उसकी प्रोक्यूरमेंट की जाती है। मतलब कि या तो कोई बिजनेस क्या करेगा, चीज़ों को बनाएगा, नहीं तो कोई बिजनेस क्या करेगा, बनाया ले लेगा और उसको आगे बेच देगा, है ना। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ इसी तरीके से इन्हीं 2 बेसिस के ऊपर 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या होता है? इंडस्ट्री। सेकंड क्या होता है? कॉमर्स। आज आपको पता चलेगा कि कॉमर्स का मीनिंग कहाँ से आया है और क्या होता है। ओके, तो देखो ध्यान से, और अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है तो कौन बढ़ा है? बिजनेस इज ए वाइड कंसेप्ट, कॉमर्स इज ए नैरो कंसेप्ट। बिजनेस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बिजनेस के अंदर ही इंडस्ट्री और कॉमर्स आ रही हैं। कॉमर्स अकेला बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, कॉमर्स अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो बिजनेस क्या है? बड़ा है। बिजनेस एक्टिविटीज 2 टाइप की होती हैं, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती हैं। तो जो प्रोडक्शन होती है वो तो कहाँ पर होती है? इंडस्ट्री के अंदर होती है। प्रोडक्शन कहाँ होती है? इंडस्ट्री के अंदर होती है। कॉमर्स के अंदर क्या होता है? गुड्स प्रोडक्शन के बाद में आप लोग क्या करते हो? प्रोडक्शन के बाद में आप लोग क्या करते हो? उन गुड्स को क्या करते हो? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हो। देखो, प्रोडक्शन हो गया, गुड्स बन गई, बनने के बाद प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो कॉमर्स के अंदर आएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रोडक्शन किसके अंदर आएगा? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना किसके अंदर आएगा? इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा। लेकिन उसके बाद की जितनी एक्टिविटीज होंगी, उसको बेचने से, प्रोड्यूसर से माल बनने के बाद में उसको अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो कॉमर्स के अंदर होंगी। तो कौन बड़ा है? पहली बात तो यहाँ से आपको 2 कंक्लूजन लिखने को पता लगते हैं, कुछ 3 कंक्लूजन। पहली बात कि बिजनेस बहुत बड़ी चीज़ है। बिजनेस के अंदर 2 एक्टिविटीज़ आती हैं, बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री आता है
और कॉमर्स आता है, कॉमर्स बिजनेस का पार्ट होता है। थर्ड बात आप ये याद रखोगे कि कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये बेसिक से स्टार्ट होता है। कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, कॉमर्स एक अलग चीज़ है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। ओके तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इंडस्ट्री में होता है। प्रोडक्शन के बाद की जितनी एक्टिविटीज़ होती है कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचाने की, वो कॉमर्स के अंदर होती है। तो आपको जैसा कि दिख रहा है, इंडस्ट्रीज तीन टाइप की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो नेचुरल चीज़ों से रिलेट करती है, मतलब कि जो नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, बनाने का काम करती है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो सर्विसेज का काम करती है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ, फिर हम इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि अगर कॉटन है, आप लोगों ने देखा होगा कि क्लॉथ बनता है, तो जो क्लॉथ बनता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर बनता है, लेकिन क्लॉथ बनता है किससे, कॉटन से बनता है। तो कॉटन को बनाना कहाँ आ जाएगा, नेचुरल प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा, उससे क्लॉथ बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। जैसे कि वुड होती है, वुड लकड़ तो आपको, लकड़ी तो आपको खेतों से मिलती है या फिर वनों से मिलती है, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप उससे टेबल बनाते हो, बेंच बनाते हो, तो वो क्या आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ओके और टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आती है, सर्विस आती है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, इनको प्रोड्यूस करती है, तो ये टर्शरी इंडस्ट्री होती है। ओके तो ध्यान से देखना, तो इंडस्ट्रीज आपकी कितने टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती हैं इंडस्ट्रीज आप लोगों की। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री, द सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री, द थर्ड वन इज़ द टर्शरी इंडस्ट्री। सेकेंड पार्ट आता है कॉमर्स, बिजनेस के टू पार्ट्स हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स के टू पार्ट आते हैं, कॉमर्स का मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी कंज्यूमर तक पहुंचाने की, वो सभी कॉमर्स के अंदर आएंगी। कॉमर्स के टू पार्ट होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड्स को क्या करना, बाय और सेल करना। ट्रेड का मतलब क्या होगा, गुड्स को बाय और सेल करना। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होगा और ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें जो ट्रेड को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, जो और ज़्यादा ट्रेड को अच्छा बनाती हैं। जैसे कि बाय और सेल करना है, लेकिन आपने बाइंग और सेलिंग के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, रेल की जरूरत होती है, वेयर हाउसिंग की, स्टोरेज की जरूरत होती है। इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक वर्ड को। बस अभी तक आपने बस इतना याद रखना है कि जो बिजनेस एक्टिविटी होती हैं ये कहाँ से आई हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आपकी होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। फिर बिजनेस एक्टिविटी टू टाइप की होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। कॉमर्स टू टाइप का होता है, ट्रेड और एड टू ट्रेड। पहले हम इतना पार्ट कवर करते हैं हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी टर्शरी कवर करेंगे और कॉमर्स का मीनिंग कवर करेंगे। सो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको फर्दर डिस्कस करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू टाइप की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। ध्यान से देखना क्या होता है, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको टू कैटेगरीज में अंडर बांटा जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ओके गुड्स का आप लोग प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ये क्या होता है, इंडस्ट्री होता है। ओके कॉमर्स के अंदर वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो गुड्स को एक्सचेंज करने के अंदर मदद करती हैं। प्रोडक्शन के बाद आपने गुड्स कंज्यूमर तक पहुँचानी है, तो कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए आप जितने भी एक्टिविटीज़ का यूज़ करोगे वो कॉमर्स के अंदर आएंगे। तो इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो टू पार्ट की होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी। तो जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, ध्यान से समझना भी, इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स के अंदर, जहाँ पे गुड्स की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ओके इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत फेमस एग्जांपल बता दिया, लाइक एक आप और देखते हो शुगर केन। शुगर केन होता है ना, गन्ना होता है, तो जो गन्ने की खेती होगी, जो गन्ना जहाँ से आएगा वो क्या होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। आप उसे शुगर में कन्वर्ट कर रहे हो, वो क्या होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन से वाली होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री दोज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द एक्सटर्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स की, सॉरी गुड्स की प्रोडक्शन करते हो और चीज़ों को बाहर निकालते हो,
जैसे कि हम लोग कोयला निकालते हैं तो वो ज़मीनों के अंदर से निकालते हैं, सोना निकालते हैं तो वो खानों के अंदर से निकालते हैं, तो वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट होता है। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को आप लोग टू टाइप से डिवाइड करते हो। पहला क्या होता है एक्सट्रक्टिव इंडस्ट्री, सेकंड क्या होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। सो पहले प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब जो किससे कंसर्न करती है एक्सटर्शन या फिर प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज की आप लोग प्रोडक्शन करोगे एक्सटर्शन करोगे। ओके, एक्सट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। एक्सट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो प्रोडक्ट को ड्रॉ करते हो, नेचुरल सोर्सेज से प्रोडक्ट को ड्रॉ करते हो। ओके, नेचुरल एनवायरनमेंट से आप लोग रॉ मटेरियल को निकालते हो। ओके, जैसे कि आप माइनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हम ज़मीन के अंदर से हम निकालते ही तो हैं वीट को प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं धरती के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं। वीट का प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, मक्का, बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन होती है फार्मिंग करते हैं हम लोग। तो फार्मिंग किसके अंदर आता है, एक्सट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़मीन के अंदर से चीज़ों को निकाल रहे हो। माइनिंग, माइनिंग क्या होता है, खदानें होती हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं खदानें, मतलब कि आप लोग यहाँ पर कोयला निकालते हैं, सोना निकालते हैं अंदर जमीन खानों के अंदर से, तो हंटिंग होगा। ये सब किसके अंदर आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, जहाँ पर आप कुछ क्या करते हो निकालते हो, ड्रॉ करते हो नेचुरल रिसोर्सेज से, प्रोडक्ट को निकाल रहे हो अंदर से, ठीक है। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो जेनेटिक होते हैं, मतलब कि जैसे कि आप लोग एनिमल, अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, लोग पशुपालन करते हैं, भैंसों का पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स खोलते हैं, फिशेस का पालन करते हैं, तो जो ये एनिमल्स के साथ डीलिंग करती हैं ये क्या होते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो प्लांट्स को संभालती हैं, एनिमल्स को संभालती हैं, बेसिकली हम बात करें एनिमल्स को संभालती हैं। प्लांट्स ऊपर आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर, एनिमल्स को संभालते हैं ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। जैसे कि हम लोग बफेलोस का करते हैं ताकि हम दूध का प्रोडक्शन कर सके। ओके, तो सीड्स उगाए जाते हैं, नर्सरीज होती हैं जहाँ पे प्लांट्स को, हाँ, प्लांटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंक्लूड हो जाएगा। ध्यान से समझना कि आप लोगों ने नर्सरी देखी होंगी बहुत सारी, जो क्या करती हैं फ्लावर्स को उगाती हैं, छोटे छोटे उगाती हैं, फिर लोगों को बेच देती हैं, फिर लोग अपने घरों में उसको लगाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आप ज़मीन से नहीं निकाल रहे हो चीज़ें, यहाँ पर ज़मीन से निकालने वाले फार्मिंग है, ये अलग चीज़ है नर्सरी। ओके, तो नर्सरी हो गया, सीड्स हो गई, ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज के पार्ट होते हैं। कैटल ब्रीडिंग फार्मिंग हो गया, जहाँ पे आप लोग बकरी पालन हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, मुर्गी पालन हो गया और एनिमल हस्बेंड्रीज हो गई, ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ ये याद रखना कि एक्सट्रक्टिव में कौन आता है, एक्सट्रक्टिव के अंदर आपकी आती हैं माइनिंग और फार्मिंग और हंटिंग। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है, पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रीडिंग, फिश हैचरी, ये सब आता है। ओके, सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, ट्रेड का मीनिंग। ओके, तो थैंक यू, विश यू हैप्पी लर्निंग।